डीजी ने अब लाहौर का अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल का नोटिस, मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म, मुलजिमान की जानिब से मुतअद्दिद मुकामात पर चीनी स्टॉक किए जाने का इंकशाफ। डीजी ने अब लाहौर के हुक्म पर तमाम गोदामों और दुकानों को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। अठारह खरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट आज पेश होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए, कर्ज़ों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए, तवानाई शोबे के लिए 800 अरब सब्सिडी, वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपये मुख्तस। बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बजट इजलास की सदारत करेंगे। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान आइंदा माली साल का बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बजट का 20% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होगा। 15 से 20% इजाफे से तनख्वाहों पर 605 अरब रुपये खर्च होंगे। तनख्वाह और पेंशन के अखराजात 1061 अरब रुपये हो जाएंगे। IMF ने पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। 1 लाख से ज्यादा पेंशन लेने वालों पर इनकम टैक्स की तलवार लटकने लगी। मुजरे से जूस तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर रोड पर वाके जूस प्लांट पर छापा। 11,000 लीटर से ज्यादा मुजरे से जूस और 3,432 किलो जाली लेबल तल्फ करके यूनिट बंद कर दिया।